देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को दी बड़ी चेतावनी। अच्छे दिनों की बात करने वाली बीजेपी सरकार के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार ने महाराष्ट्र में सत्ता खो दी, तो दूसरी तरफ जीडीपी की आय हालिया आंकड़ों ने सरकार को जोरदार झटका दिया है। अब तक इस मुद्दे पर सिर्फ विरोधी ही सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के अपनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल अपने तल्ख बयानों से अपनी ही पार्टी को असहज कर देने वाले सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला है। स्वामी ने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया गया तो राम मंदिर पर विजय भी पार्टी को नहीं बचा पाएगी। अपने एक इंटरव्यू में स्वामी ने कई मुद्दों पर अपनी चिंता जताई। बीजेपी सांसद अपनी पार्टी को चेताते हुए कहा कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि दिल्ली और झारखंड चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाने के लिए काम करना होगा। इंटरव्यू के दौरान उनसे जब पूछा गया कि क्या खराब अर्थव्यवस्था के बावजूद बीजेपी को अयोध्या फैसले का फायदा मिल पाएगा, तो उन्होंने कहा कि भले ही हम राम मंदिर बनाने के लिए गलियों में निकल रहे हैं, जीत की खुशी में मिठाइयां बांट रहे हैं, रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि एक शख्स अपने बच्चे की स्कूल फीस अदा नहीं कर पा रहा है। हम लोग उस स्थिति तक पहुंच गए हैं जहां गिरना बाकी है। आर्थिक मोर्चे पर चमत्कार ही तब्दीली ला सकता है। अच्छी नीतियां खराब स्थिति को बदल सकती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे अच्छी नीतियां नजर नहीं आ रही हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पीएम मोदी के विदेशी दौरे पर निशाना साधते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि इसका फायदा नजर नहीं आ रहा। वो यही नहीं रुके, उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरयू राय को ठिकाने लगा दिया गया, जबकि उनकी ईमानदारी को देखते हुए उनका सम्मान किया जाना चाहिए था। वहीं दिल्ली और झारखंड चुनाव के सवाल पर स्वामी का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों को बदलकर हम चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस तरह से अपनी ही सरकार पर हमला बोला। इससे पहले भी वो कई मौकों पर मोदी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट।